वहीं 10 फरवरी से शुरू हो रहे बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान यहाँ पर प्री बजट संवाद में सीएम गहलोत ने पहले चरण में राज्य स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। बैठक में सीआईआई, फोर्टी, फिक्की और यूकेरो के साथ ही आरटीओ और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य मौजूद रहे थे। साथ ही इस दौरान उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा, ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला, मुख्य सचिव सहित तमाम विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बजट को लेकर क्या कुछ कहा मंत्री और विशेषज्ञों ने? तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन ने अपने अपने कई सुझाव दिए हैं, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने नोट किए। हमेशा बजट से पहले तमाम जो व्यापारी संगठन है अथवा जो अलग अलग एसोसिएशन के लोग हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, काफी उपयोगी सुझाव आए हैं, उनको सरकार ने नोट किया है। जो काम किया है उसके लिए भी उद्योगपतियों ने सबने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को। एक साल में औद्योगिक जो वातावरण बनाया मुख्यमंत्री जी ने रियायतें दी, वो राजस्थान में एक ऐतिहासिक रियायतें हैं। देश में कहीं भी ऐसी रिप्स, ऐसी औद्योगिक नीति, इस तरह बिजली का पैसा कम करना कहीं भी नहीं है इतना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सारे उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। बजट पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सभी सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, युवा साथियों, एंटरप्रेन्योर, इन सब की एक सुझाव की बैठक ली और मैं समझती हूँ बहुत सकारात्मक सुझाव प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए महिलाओं ने, युवाओं ने, उद्यमियों ने दिए हैं और निश्चित तौर पे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। जिस तरह के महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिला उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की, हम लोगों का प्रयास है कि हम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के दौर को आगे बढ़ाएं। आयम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में महिलाओं की मांग पर महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी निधि दी थी जिससे राजस्थान के जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।